हेलो माय चटोरे फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं रेशमी विद्यांत आपके सामने उड़द दाल की हींग वाली बड़ी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। ये बड़ी बहुत ही आसान है और बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। और आप इसे कोई भी सब्जी में डालें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने कई प्रकार के बड़ी के वीडियो पहले भी बनाए हैं, जैसे कि मसूर की दाल की बड़ी, मूली और उड़द दाल की मिक्स्ड बड़ी। तो अगर आप उस बड़ी के वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इजीली वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मौसम का तो खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कड़ी धूप रेगुलरली नहीं निकल रही है, मतलब जिस दिन आप बड़ी बनाएंगे उस दिन कड़ा धूप देखकर ही बड़ी को बनाएं, वरना बड़ी खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन पर अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आखिरी में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बड़ी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो उड़द का दाल लिया है। अब ये मैंने रात में ही पहले से ही उड़द के दाल को अच्छे तरीके से वाश करके रात भर पानी में भिगो के रखा था। अब ये फूल चुके हैं, इसका मैंने सारा पानी फेंक दिया है। अब इधर मिक्सी के जार में भींगे और फूले हुए उड़द के दाल को डालें। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान दें कि दाल को एक बार में ही नहीं पीसना है, इसे ब्रेक करते करते पीसें, मतलब बार बार मिक्सी को करीबन 2 से 4 बार बंद करें और फिर चलाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मिक्सी खराब हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एक डेमो दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको दाल को पीसना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, लगभग 1 टेबल स्पून। यहाँ पर एक और बात का ध्यान दें कि पानी भी कम से कम डालें, पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो दाल गीला हो जाएगा, जिससे भरी का सेप आप नहीं दे पाएंगे। अब ढक्कन को खोलकर इस प्रकार से स्पून की हेल्प से दाल को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करें और इसे हर बार करते रहना है जब तक फाइन पेस्ट ना हो जाए। और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही कम से कम पानी डालें और अगेन कुछ देर पीसें। आप देख सकते हैं कि दाल को बार बार इसी प्रकार से ब्रेक करते हुए पीसें और हर बार दाल को स्पून से ऊपर से नीचे की ओर करें और पानी कम से कम डालकर फाइन पैनकेक पेस्ट तैयार करें। बनके तैयार है, मैंने इसे करीबन 4 से 5 बार ब्रेक करते हुए पीसा है। बड़ी बनाने के लिए ऐसे ही परफेक्ट थिक पेस्ट चाहिए, तभी बड़ी को आप शेप दे पाएंगे। अब इसे इस प्रकार की बड़े साइज के बर्तन में डालें या बड़े साइज के बाउल में डालें और फिर इसमें एक एक करके 1.5 टीस्पून हींग डालें, 1/4 टीस्पून नमक डालें। ध्यान दें कि नमक की क्वांटिटी कम से कम डालें, क्योंकि ज़्यादा नमक डालने से दाल में गीलापन आ जाता है, जिससे आप बड़ी का सेप नहीं दे पाएंगे। अब इसे अच्छे तरीके से हाथ से 15 से 20 मिनट तक फेंटें। वैसे आप इसे फॉक से भी फेंट सकते हैं या जिनके पास हैंड ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है बड़ी बनाने के लिए। इससे दाल फॉर्म होती है, जिससे कि बड़ी फूल जाती है और बड़ी का तो कहना ही नहीं।
बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। अगर आप परफेक्ट बड़ी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेप को प्लीज मिस ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ये फॉर्म हो चुका है और बिल्कुल से फुला फुला लग रहा है। अब मैंने इधर एक बड़ी सी थाली ली है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अब इसमें बड़ी का शेप देते हुए पूरे थाली में बड़ी को सजा लें। बड़ी का साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा दे सकते हैं। एक बात का ध्यान दें कि बड़ी को इस प्रकार दें कि एक बड़ी दूसरे बड़ी से बिल्कुल भी टच ना हो। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देकर बड़ी को सजाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी बड़ियों को मैंने परफेक्टली थाली में सजा दिया है। अब इसे कड़ी धूप में अच्छे तरीके से सुखा लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी बिल्कुल से परफेक्टली सूख चुका है। इसे मैंने थाली में से निकालकर एक बर्तन पर रख लिया है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी में डालकर इसको खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की बड़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर एक नई रेसिपी लेकर मैं रेसिपी विद्यांत आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए गुड बाय।